तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू, उसके बाद 21 दिनों का लॉकडाउन, उसके बाद 19 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी के धंधे ठप पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के वास्ते, कोरोना की वजह से। लेकिन इसी कोरोना को लेकर के हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, और ये खबर आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए काफी अच्छी हो सकती है। खबर आ रही है कि भारत में कोरोना के मामलों में आज कमी देखने को मिली है। देश भर में पिछले 12 घंटे में 447 नए मामले सिर्फ देखने को मिले हैं। वहीं अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो 22 कैजुअलिटीज सिर्फ जो है सामने आई है, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ करके 12,000 के पार चली गई है। अगर 24 घंटे के आंकड़े हम देखें तो 24 घंटे में 941 और साथ ही साथ 37 लोगों की कैजुअलिटीज इसमें हुई हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफी अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा 1-2-3 दिन से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किसी दिन 1100, किसी दिन 1200 के भी पार आंकड़ा पहुंच गया था। और ऐसी यानी कि सिचुएशन में अगर आंकड़ा 1000 से नीचे आता है तो ये हमारे देश के लिए काफी अच्छा कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें जो है संक्रमितों की संख्या 12380 बताई जा रही है, और अभी तक कैजुअलिटीज का आंकड़ा 414 पहुंच चुका है, ऐसा पूरा ओवरऑल और अभी तक के आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। लेकिन पहले एक 24 घंटे का जो आंकड़ा है अभी तक सबसे कम बढ़ने के बाद आ गया, और ये काफी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। हालांकि पूरे देश में तो हाहाकार मचाई है, हमारे देश में कहीं ना कहीं खुदा का शुक्र है कि अभी तक उस स्टेज तक हमारे देश में कोरोना नहीं पहुंचा जिस स्टेज में अमेरिका और ब्रिटेन साथ इटली में पहुंच गया था। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, और लगातार ये जो संख्या अगर इसी तरह से घटती रही तो आप देख पाएंगे आने वाले दिनों में हमको लॉकडाउन के लिए कुछ और बड़ी छूटें मिल सकती हैं। और अगर ऐसी छूटें मिलती हैं तो यकीनन जो लोग परेशान हैं उनके रोजगार चलेंगे और हम सबको कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी अच्छी खबर की तरफ। आप जानते ही हैं लॉकडाउन के दौरान इंसान बोर होता रहता है, उसको मनोरंजन की जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, और ऐसे में अगर आपके फोन में कॉल्स करने के लिए बैलेंस ना हो और मूवी देखने के लिए डीटीएच में अगर रिचार्ज ना हो तो आप यकीनन बहुत बोर फील करेंगे। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है। खबर आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान जो है कोविड का जो मामला चल रहा है इसको लागू लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें असीमित मुफ्त यानी कि अनलिमिटेड फोन कॉल, डाटा का इस्तेमाल और डीटीएस सुविधा प्रदान करने कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में लॉकडाउन के दौरान जो है पृथकवास में रखे गए लोगों पर पड़ रहे मानसिक दबाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उचित कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बताया ये जा रहा है कि यह याचिका अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दायर की है। याचिका में सरकार और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को लॉकडाउन के दौरान डीटीएस सेवाएं प्रदाताओं के लाइसेंस के करार की संबंधित शर्तों को लागू करने और उपभोक्ताओं को असीमित मुफ्त फोन कॉल और उनके चैनलों व उसकी सामग्री को देखने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। यानी कि अगर आपके फोन से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसे लॉकडाउन में जब बिजनेस नहीं चल रहा, उनके कारोबार नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो रिचार्ज कहां से होगा। तो पूरी तरह से वो एक इस तरह से हो गया है कि इतना बोर होता है, आप 24 घंटे घर में रहेंगे तो आपको कैसा फील होता है, तो लोग तो काफी दिनों से हैं, तो ऐसे में अगर फोन करने के लिए भी उनके पास बैलेंस नहीं होगा, कॉल नहीं जाएगी और डाटा भी नहीं होगा, और डीटीएच में अगर मूवी देखना चाहे तो रिचार्ज नहीं होगा, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर। इसको दूर करने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, और कहा गया है जिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है रिचार्ज कराने की या डीटीएच रिचार्ज कराने की, तो उनको छूट दी जाए जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जो दी गई
है, ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आ रही बीजेपी को लेकर के। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को नसीहत दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन से ही सिर्फ कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लगातार बैक टू बैक लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें कोई समाधान नहीं निकल पाएगा जब तक हमारे देश में यानी कि मात्रा में चेकअप के लिए डॉक्टर्स नहीं होंगे या फिर जांच के लिए किट्स नहीं होंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी नीचे चली जाएगी और साथ ही साथ देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। राहुल गांधी ने मेडिकल सुरक्षाएं सुविधाएं और बढ़ानी होगी, ऐसी बात कही है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा, ये सजेशन दिया है सरकार को। राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो है कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बात की आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक तरीके से बीजेपी ले, सबको मिलकर के कोरोना को हराने के लिए काम करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एक गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों का एक साथ आना होगा और हम आ भी रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है ये पर्याप्त नहीं है। मौजूदा स्थिति में पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं है, पर्याप्त किट नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, ये काफी चिंता का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिसके ऊपर अब कहीं ना कहीं ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा है और बीजेपी से जो है लोग तीखे सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। आपकी भी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मजदूर भाई लगातार परेशान हैं, अलग अलग स्टेट्स से हमारे पास वीडियो सेंड कर रहे हैं। कुछ उन्हीं मजदूर भाइयों की हम आवाज़ आपको सुनाते हैं। आप तो अगर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, रिच होंगे या फिर मिडिल क्लास के होंगे तो आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सोचिए जो लोग डेली कमाते और डेली खाते थे उनका क्या हो रहा होगा। मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया ये देख रही है जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है, मजदूर भूखे प्यासे जहां पर इकट्ठा हुए हैं वहां पर मस्जिद किस कोने में है, वहां पर जो है मुसलमान की टोपी किधर नजर आ रही है, इस पर चर्चा हो रही, ना कि मजदूरों को खाना कब मिलेगा, मजदूरों को काम कब मिलेगा, मजदूरों को रूमों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी सुविधा कब की जाएगी। देखिए आप इन वीडियो। क्या नाम बताया आपने? बिट्टू नाम है। बिट्टू नाम है, क्या काम करते हैं आप? सिलाई के काम करते हैं। अच्छा, मगर मालिक ने क्यों निकाल दिया आपको? हम घर आए कि हम जा रहे हैं घर पे, यहाँ पे हमारे पास राशन नहीं, तो हम भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। और काम हम बंद हो गया है? काम हम सब बंद हो गया है। पुलिस ने क्यों मारा आपको? हम जा रहे थे ना दीदी के पास, वहाँ पे खाना तो खाएंगे ना, वहाँ पे जिंदा रहेंगे, इसलिए पुलिस आ रहे थे ना, पुलिस वाला मार दिया। हम लोग मंडी में रहते हैं, हम लोगों को इतना परेशानी है कि दो तीन चार रोज हो गया हम लोग खाना नहीं खाए और परेशानी का सबब इतना बढ़ जा रहा है कि सब लोग जो है कि परेशान है यहाँ भीमंडी के। और जो है कि कोरोना बीमारी जो है चला है, इसमें लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जो भूख से लड़ रहे हैं, बताओ हम लोग क्या करें। हम लोगों को मदद चाहिए कि कोई ना कोई आगे आकर के हम लोगों का मदद करे और मदद करने के बाद में हम लोगों को कोई रास्ता निकाले कि हम लोग अपने अपने घर चले जाएं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अपने हिफाजत से अपने परिवार में जाएं और कोई रास्ता निकले, और बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं, अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं है? हाँ, आपको क्या परेशानी है? हम यूपी के रहने वाले हैं सिद्धार्थनगर के, हम लोग को घर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, खाने पीने का कोई चारा नहीं है, हम लोग यहाँ तीन चार दिन से भूखे मर रहे हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ना कहीं रहने का ठिकाना है, खोली में रह भी रहे हैं तो समझ लो मोहल्ले में पब्लिक में है, लेकिन हम लोग का पास पैसा कमी की वजह से हम लोग बहुत परेशान में है, गांव भी नहीं जा पा रहा है, बस ट्रेन लोकल सब बंद है,
कृपया करके एक अगर हेल्प कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी अगर प्रदान कर सकते हैं, हम लोग का हेल्प कर सकते हैं, तो हम लोग का अकाउंट नंबर उसमें दे रहे हैं, IFSC कोड दे रहे हैं, इसमें अगर कोई भी जो बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, अगर गरीब आदमी का कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग थोड़ा प्लीज थोड़ा कर दीजिएगा। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये है आज हमारे देश का हाल और मीडिया का क्या कहना चाहते हैं मीडिया के ऊपर, दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के।